आखिर कौन थे वह महारथी जो कर्ण के कुंडल कवच को तोड़कर उसका वध कर सकते थे? आखिर किस अस्त्र से तोड़ा जा सकता था कर्ण का कुंडल कवच, जानेंगे आज के इस वीडियो में कर्ण की जीवन गाथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महारथी कर्ण के बारे में। दोस्तों, महारथी कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमान का सामना करना पड़ा था। जन्म लेते ही जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया और शिक्षा के लिए जब वह गुरु द्रोण के पास गए तो गुरु द्रोण ने उन्हें शूद्र पुत्र कहकर कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। तब दोस्तों, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब यह बात पता चली कि कर्ण ब्राह्मण पुत्र नहीं है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी, अपने बाहुबल से भारतीय इतिहास में एक अलग ही ख्याति बनाई जिसके वह हकदार थे। दोस्तों, कर्ण के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर वह अपना कुंडल कवच धारण किए रहते तो उनकी मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में कोई ऐसा भी योद्धा था जो कर्ण के कुंडल कवच को भेद सकता था? दोस्तों, यह कुंडल और कवच ही कर्ण को एक महारथी बनाते थे। कहते हैं कि कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की रक्षा करता था, तो वहीं पर कुंडल उनके शरीर में तेजी, ताकत और स्फूर्ति भरता था, जिसकी वजह से कर्ण के अंदर बिना रुके बिना थके कई दिनों तक युद्ध करने की क्षमता थी। यहाँ तक महाभारत में वेद व्यास ने कर्ण को एक युवा योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उस समय उनके पास कुंडल और कवच थे जो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। यह तो हर कोई जानता है कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता की वजह से कर्ण को इंद्र की वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका संधान करने पर वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने पर इंद्र को अर्जुन की चिंता सताने लगी थी कि कर्ण के कुंडल कवच के रहते मेरा पुत्र अर्जुन कर्ण को कभी परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जानते थे सूर्य देव का दिया हुआ यह कुंडल कवच जब तक कर्ण के पास था तब तक कर्ण को परास्त करना असंभव था। इसीलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब सुबह के समय कर्ण सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास आए और कर्ण से उसका दिव्य कुंडल और कवच मांग लिया, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ देते समय कर्ण से जो भी कोई कुछ मांगता तो वह उसे मना नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कुंडल कवच दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप और कोई नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं, और मैं यह भी जानता था कि आज आप मुझसे कुंडल और कवच मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से यह बात सुनकर देवराज उसी वक्त अपने असली रूप में आ गए और बोले कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो फिर आज सूर्य को अर्घ देने क्यों आए? तब कर्ण ने कहा कि हे देवेंद्र, यह सारी बातें मुझे मेरे पिता सूर्य देव ने रात में बताई और मुझे सुबह अर्घ देने से मना भी किया था, पर हे देवेंद्र, आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम बहुत महान हो, इस दुनिया में आज तक तुम्हारे जैसा दानवीर नहीं हुआ और ना ही कभी होगा, और आज के बाद तुम महादानवीर कर्ण के नाम से जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति भी देता हूँ, इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। इसका जिस पर भी संधान करोगे उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती, और उसके बाद देवराज इंद्र वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था
कि कुंडल कवच के रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता। यह बात उन्होंने सिर्फ सूर्य देव के वरदान का मान रखने के लिए कही थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पशुपता अस्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, पर श्री कृष्ण सूर्य देव के वचन को कभी भी मिथ्या नहीं होने देना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं रोक सकता। यहाँ तक अमृत धारण कर सके देवता भी सुदर्शन चक्र के आगे नहीं टिक सकते। और वहीं पर जब भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपता अस्त्र दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस पशुपता अस्त्र के बारे में देवराज इंद्र, यम, यक्ष, कुबेर, वरुण अथवा वायुदेव भी नहीं जानते। साधारण मनुष्य की बात तो दूर है, सभी प्राणियों में त्रिलोक में भी कोई ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तुम मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से अथवा धनुष के द्वारा कर सकते हो, और इनमें से चाहे जैसे भी इसका आवाहन हो, शत्रु का नाश तो निश्चित होगा। तो दोस्तों, इस बात से यह तो साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पशुपता अस्त्र जो उन्हें भगवान शिव ने दिया था, यह अस्त्र कर्ण के कुंडल कवच को भेद सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। इसके अलावा दोस्तों, तीन ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने सूर्य पुत्र कर्ण को युद्ध में हराया था। दोस्तों, इनमें पहला नाम आता है भीमसेन का। जी हाँ, भीम से कर्ण एक बार मल्ल युद्ध में हारे थे और कर्ण भी भीम से एक बार जीते थे। ऐसा था कि भीम और कर्ण का दो बार युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार कर्ण जीते थे और एक बार भीम जीते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर महायोद्धा कोई और नहीं बल्कि वह अभिमन्यु थे। आप सभी या तो जानते हैं कि किस तरह से अभिमन्यु का वध किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई गई, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय अभिमन्यु इस तरह से लड़े कि सभी के होश उड़ गए। गुरु द्रोणाचार्य हो या दुर्योधन हो या कर्ण हो या फिर अश्वत्थामा हो या फिर सैकड़ों कौरव हो, सभी को अकेले ही धूल चटाई थी। यही वह समय था जब गुरु द्रोणाचार्य और सूर्य पुत्र कर्ण को एक साथ हराया था। कहा जाता है धनुष बाण युद्ध के दौरान कर्ण को कई बार घायल भी किया था। तीसरे नंबर पर कोई और नहीं बल्कि गंधर्व थे। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। जब दुर्योधन का गंधर्व के साथ युद्ध हुआ था, तब उस समय कहा जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण को दुर्योधन ने आगे किया और पीछे अपने भाई दुशासन और अन्य भाइयों के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया था, जिसकी वजह से विकर्ण के रथ पर बैठकर पीठ दिखाकर भाग गए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अलावा वह कौन से अस्त्र थे जो कर्ण के कुंडल कवच तोड़ सकते थे और उसका वध कर सकते थे। तो दोस्तों, कहते हैं भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र, यानी कि नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, यह दोनों ही अचूक तथा अजय हैं। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिशोध करने पर इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, और इसका एक ही प्रतिकार है, और वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर उसके आगे खुद को विनम्रता पूर्वक समर्पित कर दे। और महाभारत में इसका उपयोग अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर किया था, और कुछ ही समय में इस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षरी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर उस समय श्री कृष्ण इसके आगे संपूर्ण नतमस्तक होने के लिए ना कहते तो परिणाम और भी भयंकर हो सकता था। वहीं भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बचाते हुए उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। तो इससे यह साबित होता है कि नारायण अस्त्र के दो अस्त्र, यानी कि नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, कर्ण के कुंडल और कवच को तोड़ सकते थे और उसका वध भी कर सकते थे। अब आप में से बहुत से लोग यह भी सोच रहे होंगे कि कोई कैसे कुंडल कवच को तोड़ सकता है। तो रामायण काल में इसका एक उदाहरण मौजूद है। कहते हैं कि रावण के तीसरे पुत्र अतिकाय के पास भी एक ऐसा ही दिव्य कवच था जो उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उसे स्वयं ब्रह्मास्त्र से तोड़ डाला था।
आप चाहे जितने भी तर्क दे, पर महाभारत में जो वर्णित है हम उसी के आधार पर माने तो कर्ण को कुंडल और कवच के साथ पराजित तो कर सकते थे, पर उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा कि अगर कर्ण पर महाभयंकर प्रलयकारी अस्त्र चलाए जाते तो हो सकता था सूर्य देव के मान और कीर्ति को सीधी तरह से चुनौती देना होता।